आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। भारत में कोरोना वबा की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है और मुसलसल एक हफ्ते से 2 लाख से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हुए हैं। भारतीय वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,59,170 कोरोना केसेज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1761 मुतासरीन की मौत भी वाकया हुई है। भारत में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में दारुलहुकूमत नई दिल्ली और रियासत महाराष्ट्र भी शामिल है। मुल्क में कोरोना वायरस केसों की तादाद 1,53,21,089 जबकि 1,31,08,582 मुतासरीन सेहतयाब भी हो चुके हैं, जिसके साथ ही अब सरगर्म मामलात की मजमूई तादाद 20,31,977 हो गई है। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,80,530 हो गई। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रवासाल के दौरान अब तक सबसे ज़्यादा 1,516 मजबत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद की मौत भी वाकया हुई है। मुतासरीन में 768 जम्मू जबकि 748 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 748 अफराद में 691 अफराद मकामी सतह पर वायरस से मुतासर हुए, जबकि 57 बीरू रियासत और ममालिक से कश्मीर आए हुए हैं। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दवा बनाने वाले कंपनियों से भी एक मीटिंग की सदारत करेंगे। बरतानिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस भारत को भी सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। भारत में कोरोना की तश्वीशनाक सूरत हाल पर भारत को रेड लिस्ट में डाला गया है। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान समेत 4 ममालिक फिलिपाइन, कीनिया और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। बरतानवी हुकूमत कल कुल 40 से ज्यादा ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से सिर्फ बरतानवी और आयरिश अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन क्वारंटीन करना होगा। इस फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करने पर पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने सवाल उठाए थे कि पाकिस्तान जो कि खुद बरतानिया के मुकाबले में कोरोना से कम मुतासर है, इसके बावजूद उसे रेड लिस्ट में डाला गया। Recently seen a new variant first identified in India. We've now detected 103 cases of this variant, of which again the vast majority have links to international travel and have been picked up by our testing at the border. We've been analysing samples from these cases to see if this variant has any concerning characteristics like greater transmissibility or resistance to treatments and vaccines, meaning that it needs to be listed as a variant of concern. Mr. Speaker, after studying the data and on a precautionary basis, we've made the difficult but vital decision to add India to the red list. This means anyone who is not a UK or Irish resident or a British citizen cannot enter the UK if they've been in India in the previous 10 days. UK and Irish residents and British citizens who've been in India in the past 10 days before their arrival will need to complete hotel quarantine for 10 days from the time of arrival. These rules will come into force at 4 a.m. on Friday. Mr. Speaker, India is a country I know well and love. Between our two countries, we have ties of friendship and family. I understand the impact of this decision, but I hope that the House will concur that we must act. Recently seen. उधर पाकिस्तान ने भी भारत से आने वाले मुसाफिरों पर 2 हफ्तों तक पाबंदी आयद कर दी है। नेशनल कमांडेंट ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी ने भारत से मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी लगा दी है। एनसीओसी के इजलास के दौरान भारत से लोगों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इजलास में भारत में कोरोना की नई किस्म के फैलाव पर ब्रीफिंग दी गई और भारत को 2 हफ्ते के लिए कैटेगरी सी में रखने का फैसला किया गया है। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक पाबंदी भारत से फिजाई और जमीनी रास्ते से आने वाले मुसाफिरों पर लगाई गई है।
उधर जनूबी कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जनूबी जिला अनंतनाग में जनूबी कश्मीर जम्मू कश्मीर बैंक का जोनल दफ्तर भी बंद कर दिया गया है, जहां 8 बैंक मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तकरीबन आज सुबह जब वहां पर टेस्ट किए गए तो बैंक के 8 मुलाजमीन को पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद ही बैंक का जोनल दफ्तर अनंतनाग में बंद कर दिया गया। एहतियाती तौर पर फिलहाल उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि 8 मुलाजमीन को कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद ही इंतजाम की जानिब से फैसला किया गया है कि बैंक को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर की, अनंतनाग के जम्मू कश्मीर बैंक जोनल दफ्तर को आज उस वक्त बंद कर दिया गया है जब बैंक के 8 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्ट के दौरान वहां पर महकमे सेहत की जानिब से जब वहां पर टेस्ट किए गए हैं तो 8 मुलाजमीन को पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद ही इंतजाम ने बैंक को फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। जनूबी जिला अनंतनाग से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक का जोनल दफ्तर बंद कर दिया गया है, जहां पर 8 मुलाजमीन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, क्या कुछ तफसीलात है जो खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक का जोनल दफ्तर उसे फिलहाल बंद कर दिया गया कई मुलाजमीन के पॉजिटिव आने के बाद? गौरव, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कोविड-19 से जहाँ पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं पर लड़ रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर या यहाँ पर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जहाँ खुद जिला इंतजामिया या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पर लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है कि आप कोविड-19 जो है जो फेज सेकंड में हम इस वक्त गुजर रहे हैं, आपको मास्क पहनना जरूरी है। वही कहीं ना कहीं पर केसेस जो है अब वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जो है, अगर हम वहाँ के जो ऑफिस है वहां की बात करेंगे तो वहां पर भी कल शाम 8 लोग जो है वो पॉजिटिव जो है वो सामने आए, उसके बाद उसको पूरे ऑफिस को बंद किया गया है और आज भी वो ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। वो इसलिए बंद पड़ा हुआ है क्योंकि 8 केसेस जो है वो मुस्बत सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं पर ये फैसला लिया गया है कि ऑफिस को अभी फिलहाल बंद किया जाएगा। और जब तक फिदा जरा ये बताएगा जहाँ पे बैंक कायम है, क्या उसके आसपास के इलाके को कहीं कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार नहीं दिया गया, या कि वहां पर जो है सैंपलिंग का शुरुआत की गई है? अगर हम उस इलाके की बात करें, हालांकि वो इलाका जो रिहायशी इलाका नहीं है, उसके उसके दूर जो है वो रिहायशी इलाका पड़ता है, लेकिन उसको देखते हुए अभी कोई फैसला नहीं जिला इंतजामिया ने लिया यहाँ पर कि इसको कौन सा जोन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मैं यही बताया क्योंकि जो खुद वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो वहां हम भी वहां पर पहुंचे तो वहां पर ऑफिस जो है वो बंद पड़ा हुआ है, सील पड़ा हुआ है। वो इसलिए बंद पड़ा हुआ है क्योंकि 8 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, कहीं ना कहीं पर जो बाकी लोगों की टेस्टिंग तो वहां कितने लोग उनके कॉन्टेक्ट में आए होंगे, उनके क्या टेस्ट ले जाएंगे, ये तो आज दिन भर ये मामला चलता रहेगा। लेकिन 8 केसेस सामने आने के बाद ये ऑफिस जो है बंद किया गया। और फिर जरा ये बताएगा, जब जो ये पॉजिटिव पाए गए 8 मुलाजमी जो पॉजिटिव पाए गए, उनके अफरादी खाना या जो इनके कॉन्टेक्ट में आए हैं उनके हवाले से इंतजामिया का क्या कुछ फैसला आया? जाहिर सी बात है कि जब घर का कोई भी अपराध जो है वो पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं पर वो खुद बाकी लोगों के टेस्ट लेते हैं ताकि वो देखे कि कहीं वो उनके कॉन्टेक्ट में जी। ये तो खासी बात है, जब घर का कोई जो अपराध है वो पॉजिटिव होगा तो वो घर के लोग उससे तो मिला ही होगा, इसलिए उनके भी टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। वो तो आप उनका भी फर्ज बनता है, जो पॉजिटिव निकला है वो अपने घर वालों का जो टेस्ट है वो लिया जाए ताकि ये ज्यादा कॉन्टैक्ट ना फैला जाए, क्योंकि अभी अनंतनाग बचा हुआ है, अभी अनंतनाग जो है सब पॉजिटिव जो है वो सामने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अब लोगों को भी चाहिए कि वो उन सभी गाइडलाइन का फॉलो करें जो हमें कहा जाता है, मास्क दो गज दूरी मास्क से जरूरी, बार बार गुलिस्तान चैनल का भी यही नारा है, यही कहना है कि अगर आपको अपने आप को बचाना है मास्क पहन के निकलना है। हम भी मास्क पहनते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं, इस वक्त हम काफी दूर बैठे हुए हैं, तभी हम बिना मास्क के आपसे बात कर रहे, क्योंकि सब कहते हैं बात में कि
छोटे में बैठने वाले लोग कहाँ मास्क पहनते हैं, आप मास्क कहाँ पहनते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर जम्मू तक, जम्मू से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर लद्दाख। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका, ये थी अनंतनाग से फिदा हुसैन, तब साथ फराम कर रहे थे जहां अनंतनाग के जम्मू कश्मीर जोनल, जम्मू कश्मीर बैंक का जोनल दफ्तर उसे बंद कर दिया गया है, जहां मुलाजमीन, 8 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है कि फिलहाल बैंक को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर आवाम से अपील की गई है कि मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का भी खास ख्याल रखा जाए। अब बढ़ते आगे बात करते हैं, महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने सयाहों को कश्मीर रागिब करने के लिए रवां साल बड़े पैमाने पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुहिम शुरू की और इस सिलसिले में कई एक सेमिनार भी किए गए हैं। उन कोशिशों की बदौलत अगरचे जम्मू कश्मीर में सरमा के दौरान सयाहों का भारी रश देखा गया और गर्मियों में सयाहों की एक बड़ी तादाद ने कबल वक्त ही होटल, हाउस बोट और दीगर कयामगाहें बुक की थी और रवां साल के दौरान गर्मियों में सयाहों का भारी रश देखने का कवि इम्कान है, लेकिन कोरोना की दूसरी शहर की शिद्दत ने एक बार फिर सयाहत को शोभा की गहरी चोट पहुंचाई है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर सयाहों को कश्मीर आने से रोक दिया और कई एक बुकिंग मंसूख भी कर दी गई है। जो सयाह वादी के शहर को आए थे वो भी कोरोना की वजह से वापस घरों को लौट रहे हैं। कश्मीर वादी में अगरचे सयाहों के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है और ना ही उन्हें यहाँ से वापस जाने को कहा गया है, लेकिन मुल्क में कोरोना की सूरत हाल उन्हें वापस घरों में जाने पर मजबूर कर रही है। जिलिडल जो पिछले 2 माह से बड़ा हुआ था आज खाली खाली नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, आप ग्राउंड जीरो पर है, जो सयाहों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले अगर हम जिलिडल की बात करेंगे या कश्मीर के जितने भी सयाहती मकामात हैं सयाहों से भरा हुआ, लेकिन जिस तरह से कोविड में उछाल देखने को मिल रहा, इजाफा देखने को मिल रहा कोरोना केसेस में, उसके साथ ही सयाहों का आना जाना कम ही है, जिसकी वजह से जो है शिकारा वाले, हाउस बोट ऑनर्स या होटल मालिकान, उनमें कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है। क्योंकि हमें याद है कि पिछले दिनों जब यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत हुई तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया, जिसमें 2 लाख के करीब टूरिस्ट गार्डन की सैर करने के साथ मसरूफ थे। मगर आज जबकि कोविड की लहर दोबारा से वादी कश्मीर में अब दिखाई दे रही है, 1500 के करीब केसेस आ रहे और तकरीबन कल भी हमने सुना की 6 के करीब मौतें हुई है, तो इसका असर जो है अब टूरिज्म सेक्टर पे खासा दिख रहा है। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ शिकारे वाले भाई जो है या हाउस बोट वाले जो भाई है, उनका मानना है की तकरीबन 80% जो है कैंसिलेशन हो गई हैं। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां पर जो केसेस की तादाद बढ़ी या स्पाइक काफी बड़ा तो लॉकडाउन हुआ। अब जो कि समर सीजन में एक्सपेक्टेशन थी कि वो बुकिंग जो है यहां पर आएंगी और उसके बाद इसके कारोबार में इजाफा होगा, मगर ये सुनने के बाद वहां पर कैंसिलेशन हो गई है, जिसकी वजह से दोबारा से इस तबके में मार जो है खासतौर पर दिखाई दी है। अभी अभी हमने जनरल सेक्रेटरी टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेशन यहाँ पर हमने बुलाए थे, उनसे हमने बात की और उनसे हमने आखिरकार जाना कि इस वक्त ट्रैवल पैकेजेस को लेकर हाल क्या है। उनका भी मानना है, एक साइड से अगर देखा जाए कि पहले जिस तरीके से मीटिंग हुई थी खासतौर पे सयाहत को बढ़ावा देने की, जो पिछले 2 साल से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैमर आर्टिकल 370 एप्लीकेशन हो या बाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन हो, उसमें जो ये तबका बैटरी हिट हुआ, तो सरकार ने भी कोशिश की थी कि कुछ कॉम्पनसेशन पैकेजेस हो, ट्रैवल पैकेजेस हो, जिससे रिवाइव हो जाए दोबारा से टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन का ये जो सिस्टम है। मगर अब यही खबर आ रही है कि लगातार केसेस की तादाद बढ़ रही है और कश्मीर में भी इसका इफेक्ट जो है धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और लोग थोड़े से यहाँ पर भी अब डरे हुए हैं कि उनको अब लग रहा है कि शायद जिस तरीके से स्पाइक बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी अब यही पैकेजेस का ऐलान किया था, जिस तरीके से रोड शोज हुए थे। इरफान जरा ये बताएगा, आपने इन लोगों के साथ बात की है जो शिकारा वाले हैं या हाउस बोट ऑनर्स हैं या होटल मालिकान, उनके साथ बात किया या सयाहत के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से, और साथ ही साथ महकमे सयाहत का क्या कुछ कहना है?
देखिए उनका सिर्फ यही मानना है कि हमें बचाओ। अगर देखा जाए कि पिछले दो साल से जो शिकारा वाला तबका है वो बैडली हिट हुआ था, अगर फिर लॉकडाउन होता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एवरीबडी इज नॉट ए सैलरी, यानी हर कोई अगर देखा जाए तो सैलरी पर काम नहीं करता है। यहाँ पर वो भी एक तबका है जो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, फिर दोबारा सुबह से निकलता है कमाने के लिए। शिकारा वाला भाई से हमने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से लॉकडाउन होता है या दोबारा से अगर ऐसी हालत हो जाती है तो वो स्टाफ मर जाएंगी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। पिछले बारी भी सरकार ने बड़े बड़े दावे या कंपनसेशन पैकेजेस को लेकर ऐलान किया था, जिसमें बाद में हजार रुपए पर तबका जो घर वालों को मिला, और कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं भी मिला, तो उससे आजकल के दौर में जिंदगी कहाँ चलेगी। और दूसरी जानिब ये भी वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए मरम्मत करने के बाद शिकारा हाउस बोट को फिर से कर्जा उठाया है, अब अगर लॉकडाउन होता है तो फिर से नुकसान होगा, और इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि वो कर्जा भी उतर जाएगा, जबकि सियाहती जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा कश्मीर में था। इस वक्त कह सकते हैं कि हर एक तबका जो खास तौर पे हाउस बोट हो या शिकारे वाले हो, होटल हो, टूरेंट हो, ये हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि दोबारा से जो वेव दिखाई दे रही है इसमें खासा असर जो है जमीन स्तर पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल, तफसात फराम कर रहे थे जिस तरह से सियाहत पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में जो कोरोना केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, 1516 24 घंटों के दौरान जो मजबूत मामले सामने आए, इसके साथ ही जो बुकिंग्स की गई थी बाहर जो सयाह आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या वादी कश्मीर के अंदर, उसके साथ ही जो सयाहत के साथ सयाहती शोबे के साथ वादी के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आ रही है। अब लेते हैं एक और बड़ी खबर, इस वक्त आ रही है मरकज से कोरोना के मामले पर। आज वजारत दिफा में मीटिंग होगी, ये खबर फिलहाल आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुल्क के अंदर जिस तरह से बढ़ते मामलों को लेकर आर्मी चीफ और डीआरडीओ के चीफ उस मीटिंग में शामिल होंगे। कैनिटी बोर्ड अस्पताल में भी आम मरीजों का इलाज करने की हिदायत दी जा रही है। अब इसमें जो कोरोना पॉजिटिव दीगर लोग जो मरीज होंगे उन्हें वहां पर इलाज होगा। लोकल कमांडर को वज़राए आला को अपना ताउन फराम करना होगा। कोरोना के मामले पर आज वजारत दिफा में एक अहम मीटिंग होने वाली है। जिस तरह से मुल्क के अंदर बढ़ते मामला हैं उसको लेकर आर्मी चीफ और डीआरडीओ के चीफ उस मीटिंग में शामिल होंगे, और साथ ही साथ कैंट बोर्ड अस्पताल में भी अब आम मरीजों का इलाज करने की हिदायत दी जा रही है। वहां पर भी अब आम मरीजों को इलाज करने की इस हवाले से हिदायत दी जा रही है। लोकल कमांडर को वज़राए आला को अपना ताउन देने की हिदायत भी जारी की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वादी के मारूफ मालिज डॉक्टर नवीद नज़ीर ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है जब अवाम को तमाम एहतियात अमला कर कोविड की सूरत हाल को कंट्रोल से बाहर जाने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि इस साल वायरस पिछले साल के मुकाबले में शदीद नवीयत के असरात पैदा कर रहा है, जिससे नौजवान भी अब नमूनिया के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोविड की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को हर किसी को पता है। सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो यही तो एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट नमूनिया में। तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में, और फिर अगर ऐसी ही रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। ये लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है इस सिचुएशन में। हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें, लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर महर रामबन के करीब जमीन खिसकने से ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर हुई है। ज़राए का कहना है कि आज सुबह महर रामबन के एक मकाम पर जमीन खिसकने की वजह से राबिता बंद हुआ, जिसके नतीजे में शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर हुई। तमाम इंतजामिया की जानिब से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, और माना जाता है कि कुछ देर बाद ही शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा।
ट्रैफिक हुकाम ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करने वालों से अपील की है कि वो सफ़र करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें ताकि सफ़र के दौरान उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर महर रामबन के मकाम पर जहां पर ज़मीन खिसकने का वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासर हो, उसकी वजह से शाहरा पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई जिनमें कुछ मुसाफिर गाड़ियों के साथ साथ माल बरदार गाड़ियां भी शामिल है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर महर रामबन के करीब ज़मीन खिसकने का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर हुई और हज़ारों की तादाद में गाड़ियां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमांदा हुई है। ताम इंतजामिया की जानब से मलबा को हटाने का काम लगातार जारी है और माना जाता है कि कुछ देर बाद ही शाहरा को बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में ट्रैफिक इंतजामिया की जानब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करने से कबल वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे ताकि उन्हें सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से बड़ी खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक फिलहाल मुतासर हुआ और महर रामबन के करीब पसिया गिराने ज़मीन खिसकने का वाक़ा पेश आया है जिसके नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासर हुआ। उधर खड़ी बानिहाल में तामीर हो रहे टनल के आसपास रिहाइश पजीर लोगों ने शिकायत की है कि टनल के काम की वजह से उनके मकानों को नुकसान पहुंचा और अगरचे उन्हें मुआवजा देने का वादा किया गया था ताम अभी तक किए गए वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बानिहाल से आरिफ वहीद। बानिहाल कस्बे से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर लोगों की यहाँ पे शिकायत है खड़ी सीरन इलाके में कि यहाँ पर टनल बनाए जा रहे हैं लेकिन जो 125 मीटर के डिस्टेंस में उनके रिहायशी मकान इन टनलों के ऊपर आ रहे हैं जिनकी तादाद 18 है लेकिन उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं कई सालों से। इनका क्या मानना है सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपकी चैनल हमारे एक आवाज़ बन के हर वक्त आ रही है। तो मैं इस इलाके का सरपंच खड़े अपर ऐसे हूँ। आज ये जो यहाँ पे स्ट्राइक की गई है ना गरीब लोगों ने, इनको तकरीबन 4 सालों से कभी उधर नचा रहे हैं, कभी अरकान वाले बोलते हैं रामबन जाओ, कभी रामबन से बोलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ इनकी जो फाइल है वो पूरी कंप्लीट फाइल है, इनका असेसमेंट वगैरह पूरा बना हुआ है। ये एक खवड़ा इलाका है, इसमें 54 मकान उनमें से एक स्कूल है और 53 मकान सारे आए थे इस जद में और उसमें भी फिर अरकान ने जो अपनी जो उनका जो सिस्टम था उसके अंडर 18 मकान उठाए हैं जिनका पूरा असेसमेंट वगैरह बना हुआ है। तो उन 18 मकानों में भी सुनने में आया है 8 मकानों की लिस्ट उन्होंने और रिजेक्ट कर दी है क्योंकि ये गरीब लोग हैं। आज भी जब यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो पूरा जलजला की तरह ब्लास्ट होता है। ये गरीब लोग जो यहाँ पे बस रहे हैं इनका नींद भी हराम हो रही है। तो मैं आपके ज़रिए से गवर्नर इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ इन गरीबों का जो भी मसला अटका हुआ है उस पर पूरा जोर दिया जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका मकान भी आया है? हाँ सर। जी बताइए सर, मकान आया सर 18 हमारे सर, उसमें ये 2018 से नचा रहे सर। जी त्राल में चोरी की एक वारदात में चोर ने एक मेडिकल दुकान से बाहरी नकदी उड़ाकर फरार हुए हैं। पुलिस ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बस स्टैंड त्राल में एक मेडिकल स्टोर में उस वक्त चोरी हुई जब दुकान मालिक नमाज जोहर पढ़ने के लिए मकामी मस्जिद में गया था। उस दौरान एक मास्क पहने चोर ने दुकान में दाखिल होते ही सारी रकम लूट ली है। पुलिस ने CCTV फुटेज मंजराम पर लाते हुए आवाम उन्नास से अपील की है कि चोर की शिनाख्त में पुलिस की मदद की जाए ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए। ताम पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। कंप्लेंट आई, इतला मिली कि खालिद अब्बास सनाफ मोहम्मद अब्बास रेजिडेंट ऑफ ताल पाइम का एक शख्स है, उसको मेडिकल शॉप है प्रॉपर
मार्केट में, उसको जो कैश पूरा दिन का है उस किसी ने लूट लिया गया। तो बाद में SHO साहब और बाकी पार्टी हमने डिब्यू की वहाँ पे, तो वहाँ जाके जब हमने CCTV फुटेज ये ली तो उसमें एक बंदा है विथ ब्लू जैकेट्स एंड ये जो मास्क है वो ऑन है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये जो हमें अभी तक मिली नहीं। हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडियम के थ्रू कि वो इस बंदे को आइडेंटिफाई करें, इस चोर को आइडेंटिफाई करें जो वीडियो में है, जिसका वीडियो हमने वायरल किया है। इसमें हमने पर्चा भी दिया है आज, ये पर्चा नंबर है 27/2021 अंडर सेक्शन 454-380 IPC। तो हम आपके मीडियम के थ्रू फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे सब लोगों को कि मेहरबानी करके इस बंदा, ये जो बंदा है इसका जो वीडियो जो हमने फेसबुक पे बाकी सोशल मीडिया पे वायरल किया है, इसको आइडेंटिफिकेशन में हमें मत... इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।